हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो दिया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। कब दिया? वो दिया 1928 में। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में दिया और इन्होंने ही अपना एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया वो था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये क्या करते हैं? ये कुछ ऐसे बैक्टीरियम होते हैं जो कि निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे ये क्या करते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को जब ये एक कल्चर प्लेट के ऊपर ग्रो कराते हैं तो ये देखते हैं कि उसमें दो टाइप की कॉलोनीज इनको मिलती हैं। एक तो एसिस्टेन या स्मूथ शाइनी कॉलोनी, जिसे इन्हें जिसको इन्हों ये कह रहे थे एसिस्टेन, और दूसरी इनको मिलती हैं रफ कॉलोनीज, जिन्हें ये कह रहे थे आर स्ट्रेन। ठीक, अब एसिस्ट्रेन वाली या शाइनी क्यों होती हैं? एसिस्ट्रेन बैक्टीरिया शाइनी क्यों होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर म्यूकस की कोटिंग होती है या पॉलीसेकेराइड की कोटिंग उसके ऊपर होती है, जिसकी वजह से ये शाइनी होते हैं। जबकि आरस्टेन वाले पर ऐसा इनको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अब ये जो आरस्टेन वाले थे उसको कहते हैं नॉन वायरुलेंट। आरस्टेन वाले को ये क्या कहते हैं? नॉन वायरुलेंट, क्योंकि इनकी वजह से निमोनिया नहीं होता है। और जो एसिस्टेन वाले हैं वो होते हैं वायरुलेंट, क्योंकि इनकी वजह से बैक्टीरिया माइस के अंदर हो जाता है और माइस डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो एसिस्टेन वाले कैसे थे? वायरुलेंट। और आरस्टेन वाले कैसे थे? नॉन वायरुलेंट। ठीक, फिर ये क्या करते हैं कि अब एसिस्टेन वाले बैक्टीरिया को, एसिस्टेन वाला जो है उसको माइस के अंदर इंजेक्ट कराते हैं तो माइस की डेथ हो जाती है। फिर जो आरस्ट्रेन वाली जो कॉलोनी इनको मिल रही थी उसमें से आरस्ट्रेन को लेते हैं और तब उसको माइस के अंदर इंजेक्ट कराते हैं तो माइस कैसा रहता है? अलाइव रहता है, उसकी डेथ नहीं होती है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये क्या करते हैं कि एसिस्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट किल्ड करते हैं, यानी कि उसको इतना बॉइल करते हैं कि उसके अंदर ईजीली उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो उनकी डेथ हो जाए। इस तरीके से उसको इतना ज़्यादा बॉइल करते हैं जिससे एसिस्ट्रेन वाले को, और उसे फिर माइस के अंदर इंजेक्ट कराते हैं तो जिससे क्या होगा, माइस जो है अलाइव रहते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि एसिस्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को, जो हीट किल्ड एसिस्ट्रेन बैक्टीरिया है उसको आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के साथ मिलाते हैं, ऐड करेंगे और तब उसको माइस के अंदर इंजेक्ट कराते हैं और वो ऑब्जर्व करते हैं कि माइस की डेथ हो जाती है। तो ये इसमें क्या कंक्लूड करते हैं, ये क्या मतलब कंक्लूड करते हैं, ये कहते हैं कि जो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है वो हीट किल्ड एसिस्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से कुछ तो ऐसा है जो ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आर स्ट्रेन के अंदर ही ट्रांसफ़र हो रही है। पर वो क्या है, वो उसमें उन्होंने कहा कि दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल, कि ऐसा हो सकता है कि वो जो है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में कुछ तो ऐसा है जो ट्रांसफ़र हो रहा है और वो हो सकता है कि वो जेनेटिक मटेरियल हो। लेकिन इसके बावजूद भी उस ये जो जेनेटिक मटीरियल था उसके बायोकेमिकल नेचर को ये डिफाइन नहीं कर पाए अपने एक्सपेरिमेंट में। ये जो इनका ये कह रहे थे कि हो सकता है कि वो जेनेटिक मटीरियल हो, और अभी तक यहाँ पर ये भी गैस किया जा रहा था कि प्रोटीन हो सकती है, पर वो फाइनली उसको ये प्रूफ नहीं कर पाए थे, डिफाइन नहीं कर पाए थे उस जेनेटिक मटेरियल की केमिकल बायोकेमिकल नेचर को ये नहीं बता पाए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक, तो ये तो था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। अब इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को, जो इनका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट था उसके ऊपर ही वर्क किसने किया? तीन साइंटिस्ट और आते हैं और वही इनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। उनका नाम था ओस्टवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैकलियोड, मैकलिन मैकार्टी। ये तीन साइंटिस्ट आते हैं जो ये कह रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, और वो ये सब लोग अभी तक यहाँ पर गैस किया जा रहा था कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें मे बी पॉसिबल कि प्रोटीन हो सकती है, कि प्रोटीन है वो ट्रांसफ़र हो रही है जिसकी वजह से माइस की डेथ हो रही है जब उसको हीट किल्ड कराया और आर स्ट्रेन के साथ मिलाया, और एस स्ट्रेन से हो सकता है कि आर स्ट्रेन के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है और वो जेनेटिक मटेरियल में भी पॉसिबल कि वो प्रोटीन है। तो यहाँ पर ये गैस किया जा रहा था। अब उसको प्रूफ करने के लिए कि प्रोटीन है या नहीं है या क्या ऐसी चीज़ है जो ट्रांसफ़र हो रही है जिसकी वजह से माइस की डेथ हो जाती है, तो ये तीन साइंटिस्ट आए, इन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और
ये जो जेनेटिक मटेरियल था उसकी इन्होंने क्या जानी, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया। ये जो जेनेटिक मटेरियल था उसको इन्होंने क्या कराया, उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन कराया। और बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन में क्या कराया कि ये जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे, एस स्ट्रेन वाली जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन सेल्स जो थी, या ये जो इनके बैक्टीरिया थे उनकी सेल्स है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन की सेल्स जो थी, उससे इन्होंने क्या किया, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को अलग अलग कर लिया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया की सेल से, हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया की सेल से प्रोटीन को अलग किया, डीएनए को अलग किया और आरएनए को अलग कर लिया। अब बारी बारी से क्या करते हैं, वो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के साथ, आर स्ट्रेन वाली जो सेल्स हैं उनके साथ एस स्ट्रेन के डीएनए को ऐड करते हैं, डीएनए, और तब उसको माइस के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो माइस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। माइस जो है वो मर जाता है, माइस की डेथ हो जाती है ना, उसकी डेथ हो जाएगी। अब आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन वाली की प्रोटीन के साथ ऐड करते हैं, प्रोटीन लगाते हैं, प्रोटीन के साथ ऐड करेंगे उसको, तब वो देखते हैं कि माइस जो है कैसा रहता है, अलाइव रहता है। फिर क्या करते हैं, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को उसका जो आरएनए, एस स्ट्रेन का जो आरएनए उन्होंने अलग किया, उस आरएनए के साथ उसको मिलाते हैं, और तब वो देखते हैं आरएनए उसके साथ मिलाते हैं तो क्या रहता है, माइस जो है वो अलाइव रहता है। इस एक्सपेरिमेंट से वो ये कंक्लूड करते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन है और ना ही आरएनए है। ठीक है, इस डीएनए से ये कंक्लूड करते हैं कि जो है जिसकी वजह से जो मतलब जो माइस की डेथ हो रही है वो सिर्फ आरएनए, जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है उससे जो हमने, इससे जो इन्होंने डीएनए अलग किया और उससे क्या हो रहा है कि माइस की डेथ हो रही है, माइस क्या डाय हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो जेनेटिक मटेरियल पास हो रहा है वो डीएनए है, ना तो प्रोटीन है और ना ही आरएनए है। ठीक है, तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था, इसको इन्होंने आगे इन तीन साइंटिस्ट ने बढ़ाया, और इसमें इन्होंने बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ना प्रोटीन है और ना ही आरएनए है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, अगर ये आपको समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो के बारे में बताइए, जिससे कि वो भी आप पढ़ सके, समझ सके। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।